नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का SSB क्रैक एग्जाम्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आपने हमारे वीर जवानों को तरह तरह की खूबसूरत टोपी और हेलमेट्स को पहने देखा होगा, पर क्या आप इनके इतिहास के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारे वीर जवान कितनी तरह की टोपी और हेडगियर का यूज करते हैं? अगर नहीं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको भारतीय सेना में विभिन्न प्रकार के हेडगियर जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और डिफेंस एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स की लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मिलिट्री फैशन का एक लंबा और रिस्पेक्टेड हिस्ट्री है। किसी सेना का स्वरूप उसके राष्ट्र, उसके इतिहास और युद्ध के प्रति उसके दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ कहता है। मिलिट्री हेडगियर वर्षों के निरंतर प्रयत्नों की वजह से और वक्त की आवश्यकता अनुसार विकसित हुआ है, जो हर दशक और हर देश में दूसरे से भिन्न है। बहुत पहले के वक्त में जब लड़ाइयां तीर और तलवार से लड़ी जाती थी, तब सैनिकों की रक्षा के लिए मेटल के हेलमेट्स बनाए जाते थे। लेकिन वक्त के साथ हथियारों में बदलाव आया और गोला बारूद के सामने ये मेटल के हेलमेट्स काम के नहीं रहे। ऊपर से ये बहुत भारी हुआ करते थे। इनके स्वरूपों में और बदलाव तब आना शुरू हुआ जब एक देश की सेना दूसरे देश में जाकर युद्ध करने लगी। वहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए इनके विभिन्न स्वरूप सामने आने लगे और ये हेलमेट्स शुरू होकर ब्रिम्ड हैट और ट्राइकॉर्न हैट तथा बाइकॉर्न हैट तक आया। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध में उस समय के सबसे घातक हथियारों को पेश किया गया था, जिसमें मशीन गन और जहरीली गैस शामिल थी। सैनिकों को अब एक दूसरे का सामना नहीं करना था, छुपकर रूप बदलकर आर्मर और पोजिशनिंग आधुनिक युद्ध के आवश्यक पहलू बन गए। पंख वाली टोपी और चमकीले रंग की यूनिफॉर्म का युग समाप्त हो गया था। तब ये सब हेडगियर्स अलग अलग रूप में सेना में अलग अलग समय में इस्तेमाल की जाने लगी। भारतीय सेना कितने तरह की टोपी और हेडगियर का यूज करती है? भारतीय सेना के सैनिकों और अधिकारियों के लिए 6 प्रकार के हेडगियर होते हैं, जो यहाँ बताए जा रहे हैं। पहला है गोरखा कैप्स। गोरखा राइफल्स कुमाऊं रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, लद्दाख स्काउट्स, सिक्किम स्काउट्स और गढ़वाल राइफल्स के सैनिक और अधिकारी इस पारंपरिक गोरखा कैप को पहनते हैं। दूसरी है बेरे। बेरे आमतौर पर सेना की आर्म और रेजिमेंट के हिसाब से पहने जाते हैं। विभिन्न आर्म और रेजिमेंटों में बेरे के अलग अलग रंग होते हैं और ये आर्म और रेजिमेंट को उनके रंगों के अनुसार दर्शाते हैं। इसके बाद है पगड़ी। भारतीय सेना के सिख सैनिक और अधिकारी अपने आर्म और रेजिमेंट के रंग के अनुसार अपनी वर्दी के साथ पगड़ी पहनते हैं। पीक कैप्स। पीक कैप भारतीय सेना के अधिकारियों की औपचारिक यूनिफॉर्म का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं कॉम्बैट यूनिफॉर्म कैप्स के बारे में। आम तौर पर सैनिक इन कैप्स को अपने कॉम्बैट या फील्ड यूनिफॉर्म के साथ पहनते हैं। मेस कैप्स सेरेमोनियल यूनिफॉर्म। ये टोपी औपचारिक वर्दी के साथ आमतौर पर आधिकारिक रात्रि भोज में पहनी जाती है। ये गांधीवाद शैली की टोपी होती है। बैलिस्टिक हेलमेट। ये हेलमेट सोल्जर्स फील्ड एरियाज, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस या वॉर जोन में पहनते हैं। बैलिस्टिक हेलमेट्स AK-47 की बुलेट से भी प्रोटेक्शन करने में सक्षम होता है। और आखिर में आपको बताते हैं पटका हेलमेट के बारे में। ये हेलमेट एक पुराना और इंडिजिनस कॉन्सेप्ट है। पटका हेलमेट काफी लाइट वेट होता है और नेसेसरी हेड प्रोटेक्शन देने में सोल्जर्स को हेल्प करता है, पर समय के साथ ये हेलमेट्स को रिप्लेस किया जा रहा है। और दोस्तों, यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है, और वो है कि लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक सभी ऑफिसर्स की टोपी समान होती है, लेकिन कर्नल बनने के बाद भारतीय सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के पीक कैप, गोरखा कैप और पगड़ी में लाल रिबन जोड़ा जाता है। इसी तरह ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए उनके पीक कैप्स, गोरखा कैप्स और पगड़ी में एक समान प्रकार का बैज इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे जवानों और अधिकारियों के द्वारा पहनी जाने वाली कैप्स और हेडगियर से जुड़ी जानकारी। हमें उम्मीद है कि इनके बारे में जानकर आपको मजा आया होगा और भारतीय सेना की यूनिफॉर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का मन किया होगा। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके।
तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।